हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 5 और जानेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो दोस्तों, डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब एमआरपी होता है हमारे पास, तब इस पर डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु बाजार से खरीदने गए और जो सेलर है दोस्तों बेचने वाला, और वो आपको कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, तो हमेशा वो डिस्काउंट देगा एमआरपी पे। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों, जब जो डिस्काउंट एमआरपी पे दिया गया है उसको हम लोग एमआरपी से माइनस कर दें अगर डिस्काउंट, तो वो हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस, सीपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सीपी हमेशा हम लोग 100 मानते हैं दोस्तों। एमआरपी कितना दिया हुआ है? 600, और 600 पे कितना वो छूट डिस्काउंट दे रहा है? एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कटा 6 × 12। अब 120 एमआरपी से हम लोग 120 घटा देंगे डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा? 480, तो ये हमारा एसपी हो गया। अब 20% का लाभ प्राप्त करने करता है, तो सीपी हमेशा 100 होता है और उसमें लाभ प्रॉफिट जोड़ देंगे 20, तो कितना हो जाएगा? 120%। तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 480। तो 100% क्या हो जाएगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू 480 × 100/120, 0 से 0 कटा 2 × 48, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 400। क्रयमूल हमारा आ गया 400, तो भी वो 20% का 400 पे बेचेगा, तभी वो 20% का लाभ प्राप्त कर पाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो दोस्तों, अंकित मूल्य को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, और इसमें 100 मान लिया, और छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, एमआरपी होता है अंकित मूल्य, तो इस पे 20% की हम लोग वो निकाल लेंगे छूट, तो कितना आ जाएगा? 20। अब तो 100 में से हम लोग घटा देंगे 20, तो एसपी हमारा आ जाएगा, एसपी बराबर 80, छूट देगा 24 रुपये में बेची गई, तो ये 80 बराबर 80% जो आया हमारा दोस्तों, ये हमारा 24 के बराबर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना होता है दोस्तों? 100% मानते हैं, तो 100% इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू 24 × 100/80, ये 0 से 0 कटा, फिर 8 × 24, तो ये हमारा आ जाएगा 30, वस्तु का अंकित मूल्य 30 होगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, और कॉन्सेप्ट की सहायता से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया हो, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लाभ के लिए हमें सीपी ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य। तो एमआरपी को हम लोग दोस्तों 100 मान देते हैं, और सीपी को भी 100 मान देते, तो सीपी हम लोगों का 100 हो गया, और वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, मतलब 100 का 20% 20 होगा, और सीपी को हम लोग जोड़ेंगे, सीपी में 20% 20 जोड़ देंगे, तो वो हमारा एमआरपी हो जाएगा, एमआरपी को 120% बढ़ा के रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, तो इसका हम लोग 25% निकाल लेंगे, 0 से 0 कटा 5 25 5 × 2 = 10, फिर 2 × 3 = 6, और 6 × 5 = 30, 30 जो आया हमारा एसपी आ गया दोस्तों, ये हमारा डिस्काउंट आ गया, 30% का डिस्काउंट मिला है। तो अब हम लोग 30 को 120 में घटा देंगे, तो 120 में 30 घटा दिया, तो ये हमारा 90 एसपी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, खरीदा 100 में और बेचा 90 में, तो हम लोगों को लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस कितना हो रहा है? 10 का / सीपी 100 × 100, तो ये 100 100 कट गया, आ गया 10% का लॉस हो रहा है। आप सिर्फ दोस्तों कॉन्सेप्ट देखिए, और कॉन्सेप्ट की सहायता से आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।